गाइस आज इतिहास में लिखा जाएगा, मतलब हिस्ट्री में यार, इतिहास क्या कहना, कि एक बंदी को मैंने किस टाइम उठाया। हाय बाय, सभी भी शक्ल से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आज मैंने सुबह सुबह 7 बजे इनको उठाया। और उठाने की वजह सिर्फ ये है कि मैंने इनको कहा कि हम बहुत लेजी हो गए हैं, हम लोग ना कोई 2-2 बजे तक हम लोग सोए रहते हैं और फिर सारा दिन गुजर जाता है, ना कोई काम ना कोई काज ना कोई तो एनी हाउ हम लोग ना आज से अपने प्रॉपर वीडियोस पे वर्किंग स्टार्ट कर रहे हैं। और आपको हमारी आपको हमारे YouTube की वीडियोस, वैसे मुझे भी नींद आई हुई है, YouTube की हमारी वीडियोस जो है आपको इंशाल्लाह 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 डेली बेसिस पे आप मिला करेंगी। अब ये मोहतरमा जो है ना सुबह सुबह नाश्ता बना रही हैं और इनकी हालत जो है ना वो मैं अभी आधी नींद में है। तो खैर लेकिन ये हिस्ट्री में लिखा जाएगा। अच्छा गाइस एक और मजे की बात बताऊं, हैरियट टाउन वालों के लिए बड़ी खुशखबरी की बात यह है कि GS वाटर जो है वो हैरियट टाउन में लॉन्च हो गया। और GS वाटर की फ्री होम डिलीवरी के लिए ये उन्होंने नंबर दिया हुआ है और जस्ट 100 रुपीज की बॉटल, और बॉटल जो है एक कॉल में बैरेटॉन लाहौर में आपके डोर पे। खैर ये तो हो गई बॉटल की बात, अभी हम लोग नाश्ते में बना रहे हैं ना चाय और क्या जी, जो जो जिस टाइम खाना है। आपने क्या खाना है? रोटी खानी पराठा खाना? मैंने रोटी खानी है। हाँ जी, तो आपके लिए रोटी बनेगी। ओके, दोनों ब्रेड खाएंगे। आपने क्या खाना, ऑमलेट या फ्राई? मैं ऑमलेट खाऊंगा यार। अदनान अभी नींद में है, ये अंडे निकल रहे हैं। संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे, आपके लिए स्पेशली बस सब रोटी बनेगी। अच्छा बाकियों के लिए ब्रेड बनेगी। अच्छा वैसे ना अदनान, उसके लिए तेरी भाभी को चाय बनाने नहीं आती ना? नहीं इधर देखो, ठीक है कोई बात नहीं, मैं पी लूंगी, आप लोग बाहर जाके पी लेना। वो मार्केट वाली भी अच्छी नहीं होती चाय। अरे भैया धोखा दे दियो, किसे काम की नहीं। तो गाइस आज से इंशाल्लाह हम लोग ना अपनी प्रॉपर वर्किंग स्टार्ट कर रहे हैं, लाइक यूट्यूब फेसबुक टिकटॉक इंस्टाग्राम ब्ला 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 जितनी भी चीज़ें हैं सारों पे इंशाल्लाह हमारी वर्किंग स्टार्ट होगी। और हम लोगों ने आज से तहैया किया कि हम लोग 7 बजे जैसे उठते हैं तो हम वैसे उठा करेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली अगर हम आज 7 बजे उठे हैं तो हमें नींद भी रात को जल्दी। 7 बजे उठे हैं तो कल को बच्चे होंगे तो उनको भी 7 बजे उठाना पड़ेगा, इसलिए हमने अभी से रूटीन बना लिया। ये तोड़ क्यों दी है आपने? तोड़ा था उस दिन लात मार के, जो झूठ बोल रहा हो उसकी टांग टूट जुलाई कल एक बंदे ने झूठ बोला था, ठीक है कैसे माना वो? तोड़ा तो मैंने भी नहीं है, निकल गया उसका, अब क्या बोल सकते हैं। चले जाके ना शॉवर ले ले, गाइस शॉवर लेने के लिए जा रहा हूँ। और शावर लेते हैं, लेकिन शावर ले लेंगे तो फिर जो लेजीनेस है ना वो खत्म हो जाएगी, दोबारा चलते हैं। गाइस आपको एक मजे की स्टोरी सुनाऊं, ये देख रहे हैं आप लॉक टूटा हो, ये ना ये हम ना रूम में बंद हो गए और लॉक ना काम ही नहीं कर रहा था, जो इसके अंदर पिन होती है ना वो टूट गई। अब ये फ्री हो गया, हमने जोर लगाया था वो लॉक ही हाथ में आ गया तो पिन अंदर खड़ी हुई थी, अब हम अंदर फंस गए। तो फिर हम लोगों ने क्या किया कि कॉल की हमारे जानने वाले हैं वो जी गेट प्लान के आए, हमने खिड़की से उनको धागा फेंका, उन्होंने वो प्लायर और वो जो स्क्रू ड्राइवर होता है वो उन्होंने सेंड किया ऊपर बांध के, हम लोगों ने खींचा, फिर हम लोगों ने ये तोड़ा, तोड़ के फाइनली जो है ना हम लोग बाहर निकले। तो बड़ा टफ था, बहुत वो दिन बड़ा बहुत ही ज्यादा टफ था। पर यार मैं कह रहा हूँ नहाना नहीं चाहता, मैं नहाऊंगा ना तो मेरी सुस्ती खत्म हो जाएगी। जाए सुस्ती खत्म करके। नहीं हाँ जी, दस पुत तेरा, मुझे बताएं लोग कॉपीराइट आ रहे हैं आप है?
आप जो बता रहे हैं लोगों को, ये भी पता है ना, हमारे घर में जो चीज खराब हो जाए ना वो दोबारा कभी नहीं बनती है। क्यों नहीं बनती है? नहीं बनती। देख लीजिएगा ये ऐसे का ऐसे ही रह जाएगा। अगले दिन आप कह रहे थे ना कि यार मुझे पार्लर जाना है, अपनी डेंटिंग पेंटिंग करवानी है, तो खराब होगी तो बन गई ना दोबारा। वेरी फनी। घर की चीजों की बात कर रही हूं मैं, चीज नहीं हूं। ये इसको दोबारा लेके जाएं ब्लेंडर को, दोबारा चेक करवाएं, ये सही नहीं बना। सही नहीं बना है यार, ये जग ही नया ले लेते हैं, 250 रुपए का तो जग आना है। इस चक्कर में पड़े हुए हम लोग। गाइस, आप लोगों को पता है आपकी भाभी का फेवरेट गाना कौन सा है? मसे बताता पहनी रही है फेवरेट गाना। ये बताओ जी किसके लिए बन रहा है ये? कैमरामैन के लिए। कैसे कैसे भाभी कैसे करें? समझ लियो ना। फरूख मेरे लिए क्या बनाया? रोटी बनाई। और ये क्या है? ऑमलेट। तो ऑमलेट में सब मिर्चे कहाँ गई? नहीं है ना सब। प्याज कहाँ गए? कुछ भी नहीं। गाइस ये आलम है, इसको मैं जल्दी मैंने उठा क्या दिया है, तो ऑमलेट में मिर्चे ही नहीं है। हद है, हर चीज आपकी मर्जी की बनी, अगर मिर्चे नहीं डाले तो जी प्याज भी खा रही है उसकी। प्याज प्याज का है? प्याज इतने बड़े बड़े प्याज है यार, छोटा प्याज नहीं है। समय तक हो गए, कभी कभी दिल करता है कि एक भैया। पर मैंने क्या सुना है, मियां बीवी जो है ना, क्या वो तुमने टायर की बात की थी कि एक गाड़ी के दो पहिए होते हैं? गाइस शादी का एक्सपीरियंस अच्छा भी होता है और बुरा भी होता है। अच्छा इसलिए होता है कि आपको सारी चीजें रेडी मिल जाती हैं, बुरा इसलिए होता है कि सारी सारा दिन चिक 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 जैसे ट्रेन गाड़ी चलती है ना, वैसे ही ऐसे चिक 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 चलती रहती है। तो साइड इफेक्ट्स हर चीज के होते हैं, आप मेडिकल साइंस में चले जाएं या किसी भी चीज में आप चले जाएं, आपको काम का वो बर्डन है, इस वजह से थोड़े चिड़चिड़े हुए हैं। तो बीवी अपना गुस्सा किधर निकाले मुझे बताएं। वो तकिया पकड़े और उसको मारे किश 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 तकिए की जगह पे बंदे भी ना पकड़ के। अच्छा वो चले चले कोई सालन सुलन कोई चीज नहीं? नहीं आज सालन नहीं, अभी आप जाएंगे सब्जी भिजवाएंगे तो दोपहर का खाना रेडी होगा। okay. और अगर लेट कर देंगे तो फिर आपके ऊपर है, जितना लेट करेंगे उतना लेट खाना मिलेगा। Okay. लेकिन उस बेचारे का भी आप लोगों ने थोड़ा ख्याल रखना है। Okay. ये नहीं कहना कि अभी 12 बजे नाश्ता किया हमने, अभी थोड़ा लेट ही खाएंगे। नहीं अभी तो हम लोग भी जल्दी कर रहे हैं। सही। चलो चलो जी गाइस, आज का हमारा नाश्ते में मैं वैसे सूखी रोटी खाता हूँ, मैंने पराठा खाना छोड़ दिया है, और ऑमलेट है, और ये ऑमलेट और ब्रेड एंड मायोस ब्ला 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 ब्ला। तो आज का जो हमारा ये व्लॉग था वो स्पेशली ये था कि भाई हम लोग सुबह जल्दी उठे हैं, तो हमने सोचा कि चले आप जल्दी उठने पे हम लोगों की जो रोज़मर्रा रूटीन की बातें हैं वो हम आप लोगों से डिस्कस करें। और रोज़ जो है हम बेड के ऊपर बैठ के खाना खाते हैं, आज आप लोगों को दिखाने के लिए हम लोग ना डाइनिंग टेबल पे सोफिस्टिकेटेड तरीके से बैठ के खा रहे हैं, वरना ऐसी बात नहीं है, हम बेड पे चढ़ के बैठ के खाते हैं। अभी इसने भी खाना बेड पे ही लगाया था, तो मैंने इसको कहा, मैंने कहा दो बंदे थे इसलिए हम लोगों ने, तो वो उधर ही बैठ के खा रहे थे। कैमरामैन जो है वो जिन है, तीन से चार हो गए हैं तो बिजी बंदे तो कह रही हो ना। चलो जी चले जी, हमारे चैनल आदिल राजपूत को सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही आप लोग खुश रहें, हमेशा सलामत रहें, और हमारे लिए दुआ कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।